हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आ गया हूँ फिर से एक और नया सा वीडियो लेकर, और यह वीडियो है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का एक और कारनामा आया है सामने। क्या कुछ न्यूज़ में दिया हुआ है, आइए बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। कौन सा जो काम गलत किया है, जो कि मुद्दा आ गया है, बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास उठ गया है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के लेकर, ठीक है दोस्तों। तो न्यूज़ में दोस्तों दिया हुआ है परीक्षा साइकोलॉजी का और रिजल्ट इकोनॉमिक्स का। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का एक छात्रा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था साइकोलॉजी विषय का, और रिजल्ट उनका जो TR आया है उसमें इकोनॉमिक्स दिखा रहा है। तो क्या कुछ दिक्कत हुआ, चलिए बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। जूम कर लिए हैं, जूम करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय में एक छात्रा का अजीब रिजल्ट जारी हुआ है, जो कि नाम है आरती कुमारी, Part 2 सत्र सेशन हो गया, 17 से 20 की छात्रा है। उसे पिता ने बताया कि उनकी बेटी मोतिहारी के SK सिन्हा महिला कॉलेज की छात्रा है। वह शुक्रवार को परीक्षा विभाग फरियाद लेकर पहुँचे थे। बताया कि आरती ने साइकोलॉजी विषय से Part 2 की परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट इसका इकोनॉमिक्स का आया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, रिजल्ट परीक्षा तो साइकोलॉजी के दिए हैं, लेकिन रिजल्ट आया किसका, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसे सुधारने के लिए वह 3 वर्ष विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं सुधर रहा है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि आवेदन को Part 1 सेक्शन में भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा न्यूज है, आपका भी ऐसे हो सकता है। ये तो छात्रा है सेशन 17 से 20 वाली, ठीक है। अगर आपके साथ हो जाता क्या कीजिएगा। ये है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का एक और कारनामा दोस्तों, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।